वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ तरह तरह के अजीबोगरीब रहस्य भरे पड़े हैं। कुछ को तो सुलझा लिया गया है, लेकिन सैकड़ों रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। चिली में होस्ट टाउन से मशहूर एक जगह है, जहाँ पर एक 6 इंच का नरकंकाल पाया गया था। इस नरकंकाल के दांत पत्थर जैसे मजबूत थे। बहुत सारे रिसर्च के बाद ये मान लिया गया था कि वो कंकाल इंसान का ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने छोटे इंसान के दांत कैसे हो सकते हैं। आज भी ये रहस्य अनसुलझा ही है। आसमान से हुई मीट के टुकड़ों की बारिश। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपने आसमान से पानी और ओले तो खूब गिरते देखे होंगे, लेकिन कभी मीट के टुकड़े गिरते हुए नहीं देखे होंगे। साल 1876 में बाथ कंट्री के रंगीन में अचानक से मीट के टुकड़ों की बारिश होने लगी थी। आसमान से मीट के टुकड़े गिरने लगे थे। नेवार्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने इन टुकड़ों की जांच कर बताया था कि ये टुकड़े किसी नवजात या फिर किसी घोड़े के हैं, लेकिन असलियत आज तक किसी को पता नहीं चल सकी। एक छेद ऐसा जिसमें समा जाती है आधी नदी। द डेविल्स कैटल नाम से प्रसिद्ध इस छेद में नदी का आधा पानी समा जाता है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान ये पता नहीं कर सका है कि आखिर पानी कहाँ जाता है। तैराकी के दौरान गायब हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हेराल्ड होल्ड 22 महीने तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें आखिरी बार चेवियट बीच पर देखा गया था। उस समय वो वहाँ तैराकी का आनंद ले रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। इस दौरान उनकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स भी मौजूद थी, वो डूबे नहीं थे। इसकी वजह से कई सारी ऑस्ट्रेलियन नेवी, डाइवर्स, एयर फोर्स हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए, लेकिन हेराल्ड का आज तक कोई भी पता नहीं चल सका है। लोग कहते हैं कि वो अचानक से गायब हुए थे। द डांसिंग प्लेग के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 1518 में गर्मी के दिनों में शहर स्टारबर्ग में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया था। दिन से रात हो जाती है और रात से दिन पर उसका नाचना बंद नहीं होता। एक सप्ताह के अंदर ही 34 और महिलाओं ने ये नाचना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उनके अंदर किसी आत्मा का वास हो गया हो। नाचने की ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई खास मौका था। एक महीने के अंदर नाचने वालों की संख्या 400 पहुंच गई। खास बात ये थी कि ये सिर्फ महिलाएं थी। धार्मिक पुरोहितों और लोगों को स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए बुलाया गया। डॉक्टर और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया। कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी थी, यहाँ तक कि कई महिलाएं तो नाचते नाचते मर गई थी। इसके बाद उनके लिए लकड़ी के स्टेज बनाए गए और एक अलग से हॉल बनाया गया। लोगों का ऐसा मानना था कि डांस कर रही महिलाओं की स्थिति तभी सुधर पाएगी जब वो रात दिन नाचेंगी। इस घटना के पीछे कई सारी थ्योरी दी गई। जहर, एपिलेप्सी, सामूहिक मानसिक बीमारी, कई वजह बताई गई, लेकिन आज दिन तक ये खुलकर पता नहीं चल सका है कि अचानक महिलाओं को ये नाचने की बीमारी क्यों हो गई थी और वो ऐसे क्यों नाचने लगी थी। खिसकते हुए पत्थर, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के पत्थर बड़े ही रहस्यमय ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पत्थर को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने आप ही घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने पीछे एक लकीर छोड़ जाते हैं। यहाँ मौजूद नज़ारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के कोई सबूत यहाँ नहीं दिखते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोग इन्हें देखने आते हैं। आज दिन तक इन पत्थरों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये पत्थर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आपके पास भी दुनिया के इस तरह की कोई रहस्य से जुड़ी हुई जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ हमारा चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें।